तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ 60,000 के अंदर टॉप 5 गेमिंग प्लस एडिटिंग लैपटॉप। तो अगर आप ढूंढ रहे थे कि 60,000 के अंदर गेमिंग एंड एडिटिंग लैपटॉप, तो ये सारे लैपटॉप आपके लिए है। बाकी जितने मैंने लैपटॉप सेलेक्ट किए, सारे लैपटॉप के ऊपर आप 1080p पर बहुत अच्छे खासे FPS के ऊपर गेमिंग कर पाओगे एंड 4K तक एडिटिंग कर पाओगे। लेकिन यार 4K में तो बहुत हाई एंड में तो एडिटिंग नहीं होगा। अगर आप 4K पर नॉर्मल एडिटिंग करोगे, जैसे कि यूट्यूब वीडियो के एडिटिंग, तो वो तो बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगा। बाकी यार अगर आप 1080p के ऊपर एडिटिंग करोगे, वो तो बैटर स्मूथ हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे। बाकी ये सारे लैपटॉप मैंने जितने सिलेक्ट किया, सारे लैपटॉप का जो लुक एंड डिजाइन है वो तो नेक्स्ट लेवल है और देखने में तो यार गजब लगता है। जो फास्ट लैपटॉप है वो MSI की तरफ से आता है, MSI GF63 थिन। तो इस लैपटॉप में आपको इंटेल की तरफ से 11 जेन का CPU मिल जाता है, जो कि इंटेल कोर i5-11400H CPU मिल जाता है। बाकी इसके अंदर जो डेडिकेटेड GPU है वो NVIDIA की तरफ से आता है, RTX 3050 4GB GDDR6 मेमोरी मतलब VRAM मिल जाता है। बाकी इसके इस लैपटॉप में 8GB का रैम मिल जाता है, 8GB का DDR4 रैम है। बाकी इसका जो मतलब रैम का क्लॉक है वो 3200 MHz के ऊपर क्लॉक है इस रैम। बाकी यार इस लैपटॉप में आप अपटू 64GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हो। बाकी अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, तो इसके अंदर 15.7 इंच का एक फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि इस डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 144Hz है। बाकी इसके अंदर आपको इस जो लैपटॉप के अंदर आपको जो बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, और बैकलिट कीबोर्ड का एक ही कलर है, रेड कलर है। इसे जो बैकलिट कीबोर्ड का जो कलर है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, सिंगल कलर के ऊपर आता है, रेड कलर के ऊपर आता है। बाकी यार इस लैपटॉप में आपको 3 USB टाइप ए 3.2 का फास्ट जनरेशन का पोर्ट मिल जाता है एंड एक USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जो कि USB टाइप सी 3.2 का फास्ट जनरेशन पोर्ट है, और एक HDMI पोर्ट है, जो कि मतलब मैक्सिमम डेटा को कैरी कर सकता है, 4K 30Hz तक मैक्सिमम डेटा को कैरी कर सकता है। एंड एक RJ45 का पोर्ट मिल जाता है, वो कि इंटरनेट काम कनेक्ट करने के लिए। और बाकी यार इसके अंदर आपको विंडोज 11 होम मिल जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी यार इस लैपटॉप मैंने इसलिए फास्ट में रखा क्योंकि इसके अंदर आपको RTX 3050 जैसा डेडिकेटेड GPU के साथ ये लैपटॉप आता है, मतलब गेमिंग एडिटिंग हर काम में मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और जो सेकेंड लैपटॉप है वो SR के तरफ से आता है, SR Aspire 5। बाकी यार इस लैपटॉप में आपको इंटेल का 12th Gen CPU मिल जाता है, जो कि इंटेल कोर i5-12 14P, और जो डेडिकेटेड GPU है वो NVIDIA की तरफ से आता है, RTX 2050 एंड 4GB GDDR6 VRAM के साथ आता है। एंड अगर मैं स्टोरेज के बारे में बात करूँ, तो जो 512GB का एक M.2 NVMe SSD मिल जाता है। बाकी अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, तो इसके अंदर आपको नॉर्मल सा 60Hz डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 14.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है। बाकी इसके अंदर कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, नॉर्मल सा डिस्प्ले है। और बाकी इसके अंदर अगर मैं जो कीबोर्ड के अंदर आपको नॉर्मल जो बैकलिट व्हाइट लाइट के ऊपर मिल जाता है, जो इसके अंदर कोई भी RGB बैकलिट नहीं है, और इसके अंदर आप कलर भी नहीं चेंज कर पाओगे, जो भी वो व्हाइट कलर के ऊपर आता है वो नॉर्मल सा होता है। बाकी यार इस लैपटॉप में आपको 2 USB 3.2 का फास्ट जनरेशन का पोर्ट मिल जाता है, और 2 USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और एक मतलब HDMI पोर्ट मिल जाता है, और एक ऑडियो के लिए जैक मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आपको जो OS है वो विंडोज 11 होम एडिशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। और मैंने इस लैपटॉप को इसलिए मैंने सेकेंड पोजिशन पर रखा, इस लैपटॉप में आपको RTX 2050 GPU मिल जाता है, जो कि मतलब 3050 से थोड़ा नीचे है। तो जो थर्ड में लैपटॉप है वो MSI की तरफ से आता है, MSI गेमिंग GF63 थिन। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा CPU पावर है इन 5 लैपटॉप में से। तो इसके अंदर है इंटेल का 11 जेन का CPU, जो कि इंटेल कोर i7-11800H, जो कि सबसे ज़्यादा CPU पावर है इस लैपटॉप में। बाकी इसके अंदर जो डेडिकेटेड GPU है वो NVIDIA की तरफ से आता है, GTX 1650 का 4GB GDDR6 VRAM के साथ आता है। और बाकी इस लैपटॉप में आपको 8GB का DDR4 3200 MHz के ऊपर एक रैम मिल जाता है, जो कि अपटू 64GB तक आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो। बाकी जो स्टोरेज ड्राइव है वो 512GB का एक M.2 NVMe SSD मिल जाता है। कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है इस लैपटॉप में वो 15.7 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 144Hz के ऊपर इस मतलब डिस्प्ले आता है, हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर। बाकी इस लैपटॉप में आपको जो बैकलिट कीबोर्ड है वो एक ही सिंगल कलर के ऊपर आता है, रेड कलर के ऊपर। तो इसके अंदर आपको कोई भी मतलब चेंज नहीं कर सकते, जो बैकलिट के ऊपर जो लाइट दिया है कलर उसके, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। और भैया बाकी इस लैपटॉप में आपको USB 3.2 का फास्ट जनरेशन का 3 पोर्ट मिल जाता है, एंड जो USB टाइप सी का 3.2 का फास्ट जनरेशन का एक पोर्ट मिल जाता है, और एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम डेटा को कैरी कर सकता है, 4K 30Hz के ऊपर डेटा को मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर RJ45 का एक लेन मिल जाता है इंटरनेट के लिए। और बाकी इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम
टाइम वो विंडोज 10 होम मिल जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि मतलब 11 देना चाहिए बाकी। तो यार जो फोर्थ में लैपटॉप है वो एसर की तरफ से आता है नाइट्रो 5, तो इसके अंदर आपको इंटेल का 11 जेन सीपीयू मिल जाता है, जो कि इंटेल कोर i5 11400H है। एंड जो डेडिकेटेड जीपीयू है वो एनवीडिया की तरफ से आता है G4 GTX 1650 4GB का GDDR6 मेमोरी के ऊपर आता है, मतलब भी रैम के ऊपर आता है। बाकी इसके अंदर टोटल आपको 8GB का डुअल चैनल के ऊपर रैम मिल जाता है, जो कि DDR4 है। आप 32 GB तक मैक्सिमम रैम को आप मतलब अपग्रेड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो स्टोरेज ड्राइव है वो 512GB का एक M.2 NVMe SSD है। बाकी इसके अंदर आप 2 TB तक मैक्सिमम मतलब NVMe SSD को अपग्रेड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर 2 M.2 NVMe मतलब सपोर्ट करता है, आई थिंक 2 स्लॉट होगा। अगर मैं यार इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, तो इसके अंदर आपको 15.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर आता है, जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के ऊपर ये डिस्प्ले काम करता है, जो कि बहुत स्मूथ है। बाकी इसके अंदर जो इस लैपटॉप में जो कीबोर्ड के बैकलेट है वो RGB बैकलेट कीबोर्ड है, जो कि कलरफुल है, देखने बहुत अच्छा लगता है। एंड यार बाकी इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 होम का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि ठीक है। और जो फिफ्थ लैपटॉप है वो लास्ट में लैपटॉप है, वो लेनोवो की तरफ से आता है, लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप है। तो इसके अंदर आपको जो AMD का राइजन का CPU मिल जाता है, AMD राइजन 5 5600H मतलब CPU मिल जाता है। और तो यार इस लैपटॉप में आपको NVIDIA का डेडिकेटेड GPU मिलता है, जो कि NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR6 RAM के ऊपर आता है। बाकी इसके अंदर आपको 8GB का RAM मिल जाता है, जो कि DDR4 है। और इसके अंदर जो 3200MHz के ऊपर ये RAM क्लॉक है। बाकी इसके अंदर आप 16GB तक मैक्सिमम मेमोरी को लगा सकते हैं, मतलब 16GB तक मतलब RAM को अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी यार एटलीस्ट 32GB तो होना चाहिए, तो बाकी ठीक है। और इसके अंदर आपको एक M.2 NVMe SSD मिल जाता है, और एक हार्ड डिस्क ड्राइव मिल जाता है, जो कि जो M.2 NVMe SSD वो 256GB का है, एंड 1TB का एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो कि बैकअप करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यार 500GB तो एक SSD तो होना चाहिए था, बाकी इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो 15.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120Hz मतलब रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करता है। बाकी इसके अंदर भी आपको RGB का LED मतलब बैकलिट मिल जाता है कीबोर्ड के अंदर, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो बाकी इस लैपटॉप में आपको 2 USB Type-A 3.2 का फास्ट जनरेशन का पोर्ट मिल जाता है, एंड एक USB Type-C 3.2 का फास्ट जनरेशन का पोर्ट मिल जाता है। और उसके साथ जो टाइप सी पोर्ट है उसके ऊपर आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक 3.5mm जैक मिल जाता है, एंड एक HDMI 2.0 पोर्ट मिल जाता है, एंड एक इंटरनेट पोर्ट मिल जाता है, जो कि ये RJ45 पोर्ट है, जो कि इंटरनेट का मतलब कनेक्ट करने के लिए है। तो बाकी ये सारे लैपटॉप था, मैंने सारे लैपटॉप के बारे में आपको बता दिया। तो ये सारे लैपटॉप सारे के सारे मतलब 60,000 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। और बाकी यार इस लैपटॉप में आप एडिटिंग कर पाओगे, गेमिंग कर पाओगे बहुत अच्छे से, इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छे लैपटॉप है। और बाकी अगर ये सारे लैपटॉप आपको बाय करना है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लैपटॉप के लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हो किसी अलग वीडियो में, तो बाय।